नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विवेक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से हम देख रहे हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, रजनी के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 रजनी क्वेश्चन। तो यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि किसी कूट भाषा में एस आई के के एम को टी एच एल जे जे लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में टी आर ए आई एन ट्रेनिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो क्या लिखा गया आपको, एस आई के आई एम, सिक्किम को क्या लिखा गया आपको, टी एच एल जे जे और एल लिखा गया है। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो, कम से कम आपका सारे अल्फाबेट का जितने भी लेटर हैं सारे का न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना। एस का कितना होता है, 19 होता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। के का 11, इस के का 11, आई का 9, एम का कितना होता है, 13 होता है। टी का कितना हो गया, 20 हो गया। एच का 8 होता है, एल का 12, जे का 10 होता है, जे का 10 होता है, एल का कितना हो गया, 12 होता है। अब यहाँ 19 था, कितना हो गया यहाँ पे, 20 हो गया। प्लस 1 हो गया, क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। अब 9 से यहाँ 8 गया, क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। अब 11 से 12 चेक गया, कितना हो गया, प्लस 1 हो गया। 11 से कहाँ गया, 10 गया, माइनस 1 हो गया। अब कहाँ कितना हो गया, प्लस 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 1, क्या हो रहा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है। ठीक उसी प्रकार आपको ट्रेनिंग में लगाना है, टी आर ए आई एन जी ट्रेनिंग है। अब देखिए टी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। ए का कितना होता है, 1। आई का कितना होता है, 9 होता है। एन का 14 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, जी का कितना होता है, 7 होता है। तो 20 में यहाँ पे क्या करना है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। अब प्लस 21 हो जाएगा, कितना होगा, 21 होगा यू। आर 18 में 1 घटा देंगे, यू हो जाएगा। 1 ए में 1 जोड़ेंगे, बी हो जाएगा आपका। 9 में 1 घटा देंगे, 8 किसका होता है, एच का होता है। 14 1 15, 15 किसका होता है, ओ का होता है। 9 में 1 घटा देंगे, 8 8 किसका होगा, एच का होगा। 14 में 1 जोड़ेंगे, 15 ओ हो जाएगा। 7 में से 1 घटा देंगे, 6 होगा, 6 किसका होगा, एफ का हो जाएगा। चलिए यू क्यू बी एच यहाँ पे ऑप्शन नंबर में 3 आ रहा है, एच ओ एफ सारा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पासे में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एक ही डाइस के दो प्रारूप दिया गया है, ये एक ही डाइस का दो बार पलट के दिया है, तो आपको बताना है कि 4 के विपरीत कौन होगा। तो यदि आपको डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका है, आपको देखना है कि दोनों टाइस में कौन सा कॉमन डिजिट आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे भी कौन, यहाँ भी 3 आ रहा है। तो आप 3 को लिख लीजिए, या इससे किसी से लिख लीजिए। तब आपको करना क्या कि क्लॉकवाइज घूमना, कितना घूमना है, क्लॉकवाइज। किधर घूमना है दोस्तों, क्लॉकवाइज घूमेंगे। किधर घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 लिख लीजिए। अब इस टाइस में लेते हैं, 3 के सामने जो कॉमन संख्या, कॉमन के सामने कॉमन लिख देंगे। 3 हो गया, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आ गया। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 लिख दीजिए। अब देखिए होता है 6 डिजिट होगा, टोटल 6 फलक होता है, तो 6 डिजिट होना चाहिए। कितना है, 1 2 3 5 6, कौन नहीं है, 4 नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है, 4 नहीं है। जो कॉमन होता है उसके सामने आपका जो नहीं होता वो हो जाएगा। देखिए 3 के सामने क्या हो गया, 4, 4 के सामने 3 हो जाएगा, 1 के सामने 5, 5 के सामने 1, 2 के सामने 6, 6 के सामने 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका था ये, आप इससे कोई भी कितनों भी ट्राई से रहेगा, सारा सवाल आपको इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो पूछा के 4 के सामने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये डिस्टेंस ट्राइस का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। बिंदु एक्स चलते हुए जैन पश्चिम की तरफ 15 मीटर चलता है, तो डिस्टेंस ट्राइस का जब भी क्वेश्चन हो, कम से कम आप डायरेक्शन बना लीजिए। क्या बना लेना है आपको, डायरेक्शन बना लेना है। आप 4 डायरेक्शन बना लीजिए, 4 डायरेक्शन हमने बना लिया। ये क्या होता है, उत्तर होता है, जिसको हम नॉर्थ कहते हैं। ये पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, और क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो जब आपको क्वेश्चन देखो तो ये इसको ओरिजिन होता है, यहाँ से हम चलेंगे क्वेश्चन को, ज़्यादा शुरुआत करेंगे यहीं से। अब देखिए एक्स बिंदु एक्स से चलते हुए, इसको एक्स बिंदु मान लीजिए आप, पश्चिम तरफ 15 मीटर चलता है, तो पश्चिम इधर हो गया 15 मीटर, मान के चलिए 15 मीटर चला, ठीक है। वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, इसका जो बाएं होगा दोस्तों, किधर होगा, इसका बाएं नीचे होगा, तो नीचे कितना चला, ये 20 मीटर, 20 मान के चलिए यहाँ तक चला 20 मीटर। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है, अब इसका जो बाएं होगा तो इधर होगा, कितना मीटर चलता है, 15 मीटर, यहाँ 15 मीटर चलता है।
उसके पश्चात वह दाहिने मुड़कर 12 मीटर चलता है। अब इसका जो दाहिने होगा कितना होगा, नीचे होगा, कितना चलता है ये 12 मीटर चलता है, कितना 12 मीटर चलता है। अब जैन बिंदु x से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, अब ये जो बिंदु था अब यहाँ पे पहुँचा है, किस दिशा में ये, आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा होगा। लेकिन कितना दूरी तय किया है, ये पूछा है कि कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में, कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया, 20 हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पहले से कितना है, 12 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 20 प्लस 12 कितना हो गया आपका 32 मीटर, कितना हो गया 32 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 मीटर दक्षिण। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 6 क्या है, निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प अक्षर शब्द आकृति संख्या को चुनना है। अब देखिए आप यहाँ से देखिए के टी है या 11-10 है। अब देखिए के का निम्न, के का जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है आपको 11 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, वही हो गया 11 और 20 हो गया, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिख देना है। जे का कितना होता है 10 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, 10/18 ऑप्शन नंबर कहाँ पर के में है। अब देखिए आलसी का रिलेशन किससे है, कार्य से है, आलसी का रिलेशन किससे है, जो आलसी होगा वो काज नहीं करता है, उल्टा हो गया अल्पभाषी, अल्पभाषी मतलब हो गया क्या, कम बोलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बचाल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो गया, जस्ट उल्टा है आपका, ठीक है। अल्पभाषी मतलब, अल्पभाषी मतलब होता कम बोलता है और बचाल मतलब अधिक बोलता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कुत्ता का भौंकना होता है, कुत्ता का क्या होता है भौंकना होता है, बकरी क्या करता है मिमियाता है, तो बकरी का रिलेशन क्या होगा मिमियाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब 7 से 9 में है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति संख्या को ज्ञात करना है। अब देखिए जे है, यहाँ देखिए जे का आई 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 जे, ठीक है, जे का निम्नलिखित वैल्यू कितना होता है 10 होता है, ठीक है, एल का कितना होता है 12 होता है, यहाँ देखिए ये 14 16 का अंतर कितना हो गया 2 हो गया, 20 और 22 का अंतर कितना हो गया 2 हो गया। अब जो होगा यहाँ पे भी होगा, कितना अंतर होना चाहिए 2 का अंतर होना चाहिए, देखिए आपका यहाँ पे 2 वैल्यू होना चाहिए, है ना, 2 होगा, कौन कौन होगा, देखिए यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 12 हो गया, आगे कितना होगा 14 होगा, कितना होगा 14 का कितना हो गया n हो जाएगा, और यहाँ पे 18 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 14 16 यहाँ पे 18 दे देते हैं, 18 देंगे तो यह दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 9 है, यहाँ 28 है, यहाँ 65 है। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 हो गया प्लस 1 2 हो गया, 2 का क्यूब प्लस 1 आपका 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 में 1 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 1 65 हो जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा आपको 126 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए ये क्या है आपको 6 है, ये कितना है 5 कहते हैं इसको, 5 के बाद क्या होगा आपको 4 हो जाएगा, 4 के बाद क्या होगा 3 हो जाएगा, आपका सीरीज बन रहा है इसे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको ये 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए पी आर एक्स तथा जेड एक पंक्ति में खड़े हैं, एस तथा जेड क्या है मध्य में है। अब देखिए 6 आदमी है, कितना पे यहाँ पे 6 आदमी है, 1 2 3 4 5 6 आदमी है, तो 6 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 दे देते हैं। अब बोला कि एस तथा जेड मध्य में है, तो मैथ में क्या हो जाएगा आपको एस और जेड मध्य में हो जाएगा, ए तथा पी अंतिम छोर पर है, तो ए तथा पी या तो ए यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, ये पी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ पे होगा। अब देखिए कौन कहाँ पे होगा, तो कहता कि ए तथा पी अंतिम शीर्ष पर, ये कंफर्म नहीं है कौन, ए इधर भी हो सकता है, इधर भी होता है, पी इधर भी हो सकता है या तो इधर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आर ए के बाएँ बैठा है, आर जो है ए के बाएँ बैठा है, यदि हम ए यहाँ पे लेते हैं तो इसका बाएँ इधर होगा, यहाँ पे खाली स्थान तो है नहीं, यहाँ पे ए होगा तो पी कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा पी कट जाएगा, इसका बाएं होगा, ए के बाएं बैठा है, तो आर ए के बाएं बैठा, तो आर यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, तो बचा कौन आपका, यहाँ पे आपका पी हो जाएगा, ए कट जाएगा आपका। अब बचा कौन, बचा यहाँ पे दोस्तों आपका एगो बच गया, आपका एक्स बच गया, यहाँ एक्स हो जाएगा। अब बता कि पी के दाहिने कौन बैठा, तो पी के दाहिने कौन बैठा दोस्तों, एक्स बचा, एक्स बैठा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।